ठीक है उनके कुछ की से हम टॉपिक्स के बीच में भी पढ़ते हैं कुछ थिंकर्स होते हैं जिनने की वगैरह दिए होते हैं कुछ ऐसे कोड्स दिए होते हैं बीच में जो आपके आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिकल थिंकर्स जो है वो आपने अलग से सिलेबस में पढ़े हुए हैं छह थिंकर्स तो हर जगह अगर आप उन्हीं को मैंशन करोगे इससे ज्यादा इससे आपको उतने ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको आंसर्स में एक तो थिंकर्स मेंशन करने ही करने हैं एंड कुछ अलग थिंकर्स भी करने हैं अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक जो आपके क्लासिकल सोशलॉजिकल थिंकर्स हैं जैसे आपका दुर्खीम वेबर मार्क्स पर्सन मर्टन और मैक्स वेबर वग़ैरह ठीक है उसके अलावा भी आपको कुछ थिंकर्स मेंशन करने हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम एडिशनल थिंकर्स के बारे में थोड़ा इनके कीवर्ड्स और कोड्स जो है वो देखेंगे वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं इस सिलेबस uh, में सर की बुक में ऑलरेडी हर टॉपिक में आपको चार पाँच थिंकर मिलते हैं थोड़ा हट आपके क्लासिकल सोशलॉजिकल तो थिंकर से लेकिन आ, कभी कभी क्या हो जाता है फिर इंसान भूल जाता है वो नाम तो मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी उससे क्या होगा उस वीडियो से आप उस वीडियो के नोट्स ले लोगे लिख लोगे उसके नोट्स बनाओगे फिर रिविजन के लिए वो ईजी हो जाएगा फाइन तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मैरिज एंड इट्स टाइप से फाइन तो मैरिज आपको पता है ये मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है मैरिज होता क्या है आप इसको बोल सकते हो अप्रूड सेक्शुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजअल्स ठीक है इसकी काफ़ी डेफिनेशन आई क्लासिकल थिंगर्स लाइक मेलनोस्की इन्होंने क्या कहा था मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द प्रोडक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन कॉलेंस डिक्शनरी ऑफ सोशलॉजी के अकॉर्डिंग मैरिज जो है सोशली एक्नॉलेज एंड समटाइम्स लीगली रेटिफाइड यूनियन है बिटवीन एन अडल्ट मेल एंड अडल्ट फीमेल दो इस डेफिनेशन को आज आप कंटेस्ट कर सकते हो क्योंकि अब जो है हमारे पास होमोसेक्शुअल मैरिजेस भी हैं उनको भी कंट्रीज लीगलाइज कर रही हैं ठीक है तो एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल होना जरूरी नहीं है दो मेल्स और दो फीमेल्स भी एक मैरिटल यूनियन में आ सकते हैं लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने जो डेफिनेशन ऑफ मैरिज दी इससे हम एक जनरल पर्सपेक्टिव ले सकते हैं मैरिज का ठीक काफी मॉडर्न सोशलॉजिकल थिंकर्स को लगता है कि ये डेफिनेशन जो है आज के लिए वैलिड नहीं है फाइन ये चीज हम बता दी मैंने आपको ये जो यूनियन है इट इज बेस्ड ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स पहला सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एंड सेकंड वन इज ए प्रोक्रिएशन ठीक है प्रोक्रिएशन दैट मीनस आप रिप्रोडक्शन करते हो एक मैरिटल यूनियन में आने के बाद विथ सोशली सैक्शन सेक्स रिलेशनशिप्स एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ये चीजें आपको किस में मिलती है इस मैरिटल यूनियन में आने के बाद और ये लेजिटिमेट और मोस्ट एक्सेप्टेड वे है एक फैमिली स्टार्ट करने का इनसे इन्सेस्ट आई शायद कल भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था क्या होता है बेसिकली सेक्सुअल रिलेशनशिप विद क्लोज प्राइमरी किन्स ठीक है लाइक यू फादर मदर सिस्टर ब्रदर सन डॉटर एक्सेट्रा तो ये टैबू है काफी सोसाइटीज में इंडियन सोसाइटी में भी टैबू है अब कुछ कहीं uh, कोई एरियाज़ हैं या कोई रिलिजन हैं जहाँ पे कज़न मैरिज जो है वो अलाउड होती है जैसे मुस्लिम्स में है ठीक है और आपके ट्राइबल एरियाज में भी ये मैरिजिज अलाउड हैं आपके साउथ इंडिया में भी ये मैरिज जो हैं ये अलाउड हैं तो वहाँ पे इसको ये टैबू नहीं समझा जाता है लेकिन उनमें भी जो प्राइमरी रिलेशनशिप है लाइक विद फादर मदर सिस्टर ब्रदर सन डॉटर ये इंसेस्ट ही कंसिडर किया जाता है एंड इट इज़ नॉट अलाउड प्रोहिबिटेड है ठीक है अब देख लो uh, प्राइमरी किन क्या होता है यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी होगी हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ किन ग्रुप्स होते हैं एक आपका प्राइमरी हुआ एक आपका सेकेंडरी होता है एंड थर्ड वन इज योर टर्शरी प्राइमरी इज जो आपके क्लोज होते हैं लाइक मदर आपके फादर सन ठीक है या आपके ब्रदर सिस्टर ठीक है या आपके सन एंड डॉटर ये आपके प्राइमरी किन्स हो गए फिर सेकेंडरी होता है जो आपके प्राइमरी किन्स के प्राइमरी किन्स हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी मासी वो आपकी मदर की सिस्टर है तो वो आपकी मदर की प्राइमरी किन हुई दैट वो वो आपके आपके प्राइमरी प्राइमरी किन 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 के किन है सेकेंडरी हुए ठीक है एंड टर्सरी किन होता है जो आपके सेकेंडरी किन के प्राइमरी किन हुए सेकेंडरी किन के प्राइमरी किन uh, में देखती हूँ पहले विजिबल है कि नहीं आपको हाँ विजिबल है तो आपके जो प्राइमरी आपके जो सेकेंडरी किन के प्राइमरी किन है वो आपके टर्सरी किन है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या कहा मदर आपकी प्राइमरी किन है मदर की जो सिस्टर है वो आपकी सेकेंडरी किन है ठीक अब सेकेंडरी किन का प्राइमरी किन टर्सरी किन उसको बोलते हैं सेकेंडरी किन आपकी कौन होगी आपकी खाला खाला आपकी सेकेंडरी किन है क्योंकि वो आपकी प्राइमरी किन की प्राइमरी किन है अब जो खाला के हस्बैंड है वो primary, आपके प्राइम आपके सेकेंडरी किन जो है उनके प्राइमरी किन है आपके सेकेंडरी किन का खाला है खाला के जो हस्बैंड है वो उनके प्राइमरी किन है ना तो वो उनके लिए तो हस्बैंड हो गए प्राइमरी किन लेकिन आपके लिए वो टर्शरी किन हो गए क्योंकि आपके वो सेकेंडरी किन के प्राइमरी किन है समझ गए तो आपको जीपी मार ने ये भी कहा था टोटल हमारे पास प्राइमरी किन्स जो है वो एट होते हैं सेकेंडरी किन्स आई गेस थर्टी थ्री होते हैं एंड टर्शरी किन्स आई गेस वन ट्वेंटी वन समथिंग लाइक दिस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बस मैं आपको बोल रही हूँ कि ये कुछ पर्टिकुलर नंबर में ही आते हैं ये किन्स अकॉर्डिंग टू जीपी मर्डर्ग इतने ही किन्स होते हैं आपके प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ठीक है तो आगे देखते हैं ये इनसेस्ट टैबू हो गया अब एडमिन लीच ने क्या कहा था कि शादी के साथ साथ आपके कुछ राइट्स भी आते हैं तो इन्होंने मैरिज को एज ए बंडल ऑफ राइट्स कहा था अब कुछ इन्होंने टेन राइट्स दिए थे जिसमें से कुछ यहाँ पे डिस्कस हुए हैं मैरिज अपॉर्चुनिटी देता है लेजिटिमाइज़ करने के लिए ऑफस्प्रिंग को अगर कोई आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होता है तो उसको इलेजिटिमेट कंसिडर किया जाता है आपकी अपनी सोसाइटी में भी अभी ठीक है उसको लेजिटिमेसी नहीं मिलती है मैरिज प्रोवाइड करता है फॉर सोशली अप्रूव्ड एक्सेस टू स्पाउसे सेक्सुअलिटी लेबर प्रॉपर्टी ठीक है आपको अपने uh, इसकी जो स्पाउस है उसके सेक्सुअलिटी लेबर और प्रॉपर्टी पे आपको लीगल राइट right मिलना शुरू हो जाता है और सोशली अप्रूव्ड राइट होता है वो मैरिज प्रोवाइड करता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ एफिनल रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड बिटवीन ग्रुप्स लाइक आपके जो हस्बैंड है या आपकी वाइफ जो होती है उनके जो रिलेटिव हैं वो आपके रिलेटिव बन जाते हैं तो ये काइंड ऑफ एफिनल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है ग्रुप्स के बीच में मैरिज ऑल्सो कन्फर्स वेरियस डोमेस्टिक राइट एंड इट सर्व एज अ बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड डिविजन ऑफ लेबर सी ट्रेन द फैमिली तो कन्फर करता है डोमेस्टिक राइट्स आप ठीक है मैरिज के बाद ही आप ये काम करता है वाइफ ये काम करती है तो एक डिविजन ऑफ लेबर फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड एक घर बनाते हो चाहे वो नो uh, लोकल हो या डुओ लोकल वगैरह हो जो हमने कल कर डिस्कस करा था तो वो सारा मैरिज के साथ ही आता है तो कुछ राइट्स है जो मैरिज कन्फर करता है इंडिविजुअल पे लेकिन कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स में मेनी थिंग्स uh, जो है दे हैव चेंज ठीक है कंटेप्री ट्रेंड्स इन मैरिज हैव टेंडेड मेनी ऑफ द अबाउट डेफिनेशन आस्पेक्ट्स एज इनकम्प्लीट फॉर एग्जाम्पल मैरिज जो है इट इज नॉट कंसर्न विद एडल्ट अपोजिट सेक्स ऑनली एल जी बी टू एल जी बी टी क्यू वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे रिकग्नाइजिंग सच लिमिटेशन एडमिनट लीच ने क्या कहा था ऑल यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज जो है दे आर वेन क्योंकि जो मैरिज एक चेंजिंग इंस्टीट्यूशन है इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी टू सोसाइटी वैरी करता है अब हम टाइप्स ऑफ मैरिज देखते हैं प्राइमरीली बेस्ड ऑन विच ग पहला टाइप है आपका सिविल मैरिज एंड रिचुअलिस्टिक मैरिज ठीक है सिविल मैरिज होती है वो मैरिज रिकग्नाइज होती है थ्रू द गवर्नमेंट ऑफिशल्स मतलब गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करती है उस मैरेज को अब वो चाहे थ्रू रजिस्ट्रेशन हो आप जैसे कोर्ट में अपनी मैरिज रजिस्टर करते हो या किसी एक्ट के अकॉर्डिंग वो मैरिज परफॉर्म की गई हो फाइन रिचुअलिस्टिक मैरिज होता है जिसमें आप कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं आपको मैरिज के लिए भी कुछ रिचुअल्स करने होते हैं जैसे क्रिश्चियंस क्या करते हैं कुछ बाइबल रेसिटेशन होती है मुस्लिम्स में क्या होता है वो निकाह जो है वो उनको पढ़ना होता है हिंदूज में क्या होता है कुछ सेरेमनी परफॉर्म होती है जैसे सात फेरे उनको राउंड जो अराउंड दैट अग्नि लेने होते हैं या मंगलसूत्र वगैरह ये कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल आस्पेक्ट्स हैं जिनके बगैर आपकी मैरिज है वो इनकम्प्लीट रहती है जो सिविल मैरिज होती है वो वो होगी जो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिकोगनाइज की हो वो आपको रजिस्टर करनी होती है कहीं पे मैरिज ठीक है फॉर एग्जाम्पल एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब हैव हैल्सो कम अप विद स्पेसिफिक लेजिलेशन जो परमिट या प्रमोट करते हैं मैरिज को फॉर एग्जाम्पल स्पेशल मेरेज एक्ट आपके इंटर रिलिजन कास्ट इंटर कास्ट मैरिज को रिलेटेड के रिलेटेड है अकॉर्डिंगली आपका हिंदू मैरिज एक्ट भी आ गया ठीक uh, है जो एक मैरिज एक्ट है जो पॉलीग्यामी को प्रोहिबिट करता है अमंग हिंदूज ये इंडिया के कॉन्टेक्स में है पॉलीग्यामी प्रोहिबिटेड है मुस्लिम मैरिज uh, जो हैं दे आर गवर्न बाय शरिया लॉ या मुस्लिम मैरिटल लॉ जो है अपने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अकॉर्डिंग उनको गवर्न किया जाता है तो सिविल मैरिजेस भी हैं जिनको गवर्नमेंट रिक्निशन मिलती है और रिचुअलिस्टिक मैरिज भी होती है जो आपको रिचुअल्स के साथ परफॉर्म करनी होती है मोनोगी एंड पोलीगामी गैमी इज यू रिलेटेड योर मैरिज एंड दिस इज योर पॉली मीन्स मेनी एंड मोनो मीनस वन तो वन हसबैंड वन वाइफ इज यू मोनोगी एंड वन हसबैंड और मेनी हजबैंड एंड वन वाइफ और वन वाइफ एंड मेनी हसबेंड्स जिनकी टाइप हमने कल डिस्कस किए थे पॉली एंड्री पॉली गाइनी एंड पॉली एंड्री इंडोगैमी एंड एक्सोगी देखो एंडी होता है एंडो एंडोमी जो आपके अंदर इन साइड हुआ एंड एक्जो इज योर आउटसाइड तो एंडोगी होता है मैरिज विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड एक्जोगी इज योर मैरिज आउटसाइड द ग्रुप ठीक है ग्रुप के बाहर तो एंडोगी में जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कास्ट एंडी की अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो आप विद इन विद इन पर्टिकुलर कास्ट ही आप शादी करोगे फाइन तो उसको हम कास्ट एंडोगी बोलेंगे कास्ट एग्जोगी इंडिया में नहीं है आपको एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर अगर शादी करनी है तो वो कास्ट एंडोगी है आपके लिए जैसे इंडिया के मैरिटल रूल्स uh, में या आप बोल सकते हो ट्रेडिशन में ऐसा भी एक ये है एक कन्वेंशन बाई कन्वेंशन डिसाइड होता है कि अगर आप एक विलेज को बिलोंग करते हो तो आप उस गाँव की बेटी हो तो उसी विलेज में आप शादी नहीं कर सकते हो तो दैट मीन्स यहाँ पे विज एग्जोगी प्रैक्टिस होती है But विच इज योर मैरिज आउटसाइड योर विलेज ठीक है आप इन साइड योर विलेज शादी नहीं कर सकते हो तो दैट इज अ टाइप ऑफ एक्जोगी दैट इज फॉलोड हेयर इन इंडिया टू मेजर प्रिंसिपल जो गवर्न करते हैं मैरेज को डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट रूल्स है इंडोगी तो एग्जोगी के एग्जाम्पल इन जनरल कास्ट इंडोगी जो है प्रैक्टिस हर जगह होती है मेनी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में गर्ल बॉर्न विद इन विलेज इज कंसिडर द डॉटर ऑफ अ विज एंड हेन्स के नॉट मैरी अ बॉय फ्रॉम हर ओन विज तो इसको विलेज बोलते हैं ठीक है ये क्लान और गोत्रा एक्जोगी भी प्रैक्टिस होती है इंडिया में जिस आप सेम गोत्रा में अगर आप सगोत्रा हो दैट मीन सेम गोत्र के हो तो आपको शादी आप नहीं कर सकते हो ये गोत्र एंड जो कुल है इसका कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किया था ठीक गो, गोत्र में आप क्या करते हो अननोन मिथिकल एनसेस्टर से अपना जो लीनेज है वो ट्रेस करते हो एंड कुल इज योर नोन एनसेस्टर ठीक है तो सपिंदा एक्जोगी और एक टाइप ऑफ एक्सोगी सगोत्र सगोत्र मींस सेम गोत्र की शादी नहीं कर सकते हो सपिंदा का बेसिकली क्या मीनिंग होता है कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं कब तक आप शादी कर सकते हो कहा तक नहीं तो आप फादर के साइड से फाइव जनरेशन एंड मदर के साइड से थ्री जनरेशन ये इरावती डॉक्टर इरावती कारवे ने कहा था ये आप शादी नहीं कर सकते हो ठीक है इसके लिए एक्ट में भी प्रेजेंट है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 प्रक्लूड्स मैरिज विद इन फाइव जनरेशन और ऑन फादर्स साइड एंड थ्री ऑन मदर्स साइड फाइन तो उसको हम क्या बोलते हैं सपिंदर एक्जोगी तो ये टाइप ऑफ कुछ एक्जोगी हुए एक्जोगी एंड एंडी ये भी टाइप ऑफ ये मैरिज में ही आएगा अरेंज एंड लव मैरिज आपको पता एक्सप्लेन करने की जरूरत है गंधर्व गंधर्व विवाह इसको पहले बोला जाता था ट्रेडिशन सोसाइटीज में अनुलोमा एंड प्रतिलोमा और, और हाइपरगामी एंड हाइपोगी हाइपरगामी होता है अगर जो बॉय होगा वो हाई कास्ट का होगा एंड गर्ल कास्ट की होगी दैट इजी इसका उल्टागामी में पतिबेंड जो है, husband जो है वो, uh, boy, आपका लो कास्ट का है एंड गर्ल जो है वो आपकी हाई कास्ट की है ठीक है बॉय लो कास्ट का है तो इनका जो ऑफ स्प्रिंग होता है उनको हम चंडेल्स भी बोलते हैं चंडेल्स और निशाद ठीक है तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो अनुलोमा इज हाइपर गैमी ये आपको याद रखना है हाइपर होता है ज्यादा तो हम बॉय के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं हाइपर मीन ज्यादा तो ज्यादा मीन्स हाई ठीक है हाई कास्ट किसकी होगी बॉय की बॉय के परस्पेक्टिव से इसको समझो तो अगर सिर्फ आपको हाइपर गैमी अनुलोमा याद रहेगा दूसरा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हाइपर कमींस के ज्यादा दैट मीन्स हाई कास्ट जो है वो बॉय होगा बस ये आपको चीज याद रखनी है फिर आपको आगे का खुद ही सारा याद आ जाएगा प्रेफरेंशियल मैरिज हो गया कुछ फॉर्म्स ऑफ मैरिज ठीक है बेस्ड ऑन सम प्रेफरेंस जैसे काजन मैरिज जो मैंने कहा कहाँ कहाँ होती है लेवरेट एंड सरोट मैरिज इसको भी प्रेफरेंशियल मैरिज कहा जाता है देखो सरोट मैरिज क्या होता है अगर कोई मैन uh, है और उनकी वाइफ मर गई है इधर वाइफ की डेथ हो गई है या वाइफ जो है वो इनफर्टाइल है दैट इज कैन नॉट बेयर अ चाइल्ड इनफर्टाइल वाइफ है तो वो क्या करते हैं वो वाइफ की सिस्टर से शादी करते हैं तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो एस फॉर सरोट एस फॉर साली तो इसमें जीजा साली से शादी करता है आप उनके लिए आपके जीजू ही हुए ना बाद में फिर वाइफ को आप छोड़ के साली से शादी करते हो तो एस से ऐसे एस से साली ये करके आप याद रख सकते हो एंड लेवरेट इसका उल्टा है वाइफ जो है ड्यू टू तो सेम रीजंस क्या करती है हस्बैंड के ब्रदर से शादी करती है तो यहाँ पे देवर से शादी होती है अगर बस आप ऐसे साली करके रिलेट कर पाओ तो दूसरा तो आपको खुद ही याद आ जाएगा साली मीन्स जीजा साली से शादी करेगा दैट मीन्स उसकी जो वाइफ या तो मर गई होगी या तो इनफर्टाइल होगी नॉट बेयर अ चाइल्ड तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं क्या क्या फॉलो करते हैं लिवरेट अलायसेज अमंग द अर ऑफ हरियाणा जट कम्युनिटीज एंड गिरजन एंड सिविल स्टेट्स इन यूपी एक्सेट्रा सिमिलरली काजन इज कॉमन अमंग इंडियन मुस्लिम एंड इवन हिंदूज ऑफ साउथ इंडिया एंड कुछ ट्राइबल एरियाज में भी ऐसी शादियां होती हैं ठीक है तो बेसिकली जोरी सरूरे, जरूरेट मैरिजेस वगैरह हैं ये प्रॉपर्टी बचाने का भी एक तरीका है कि अगर ठीक है हस्बैंड की डेथ हो गई या यहाँ पे लेवरेट मैरिजेस ऐसे हो गई हसबेंड की डेथ हो गई ठीक है या अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो अपने देवर से शादी कराओ ताकि प्रॉपर्टी जो है वो घर की घर में ही रहे क्योंकि वाइफ को कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी अगर वाइफ अलग होगी तो अपनी प्रॉपर्टी लेके जाएगी ताकि घर की बात घर में ही रहे और प्रॉपर्टी इधर उधर ना जाए इस वजह से प्रेफरेंशियल मैरिजेस भी जो है ये आई थी री हमने कल पढ़ा था एंथनी गि ने इसको सीरियल मनोगमी कहा था जिसमें आप बोलते हो मल्टीपल मैरिजेज एंड मल्टीपल डिवोर्स होते हैं एंड इन द प्रोसेस मल्टीपल हाउस होल्ड्स बनते जाते हैं तो ये भी टाइप हो गया कम्युनिटी स्पेसिफिक रूल बेस्ड मैरिज जैसे ट्राइबल्स में देर वेरियस फॉर्म्स ऑफ़ मैरिज मैरिज बाय किडनैपिंग होती है एलोपमेंट मीन्स भाग के शादी होती है फोर्स मैरिज वगैरह तो काफ़ी कुछ प्रैक्टिसज होती हैं जो ये परफॉर्म करते हैं शादी करने के लिए हिंदूज में हैव एट फॉर्म ऑफ मैरिज गंधर्व हो गया पिसाच हो गया अर्श मैरिज हो गया अर्थ मैरिज हो गया और भी काफी टाइप्स हैं इसके हमें वो डिटेल में नहीं जाना है लव मैरिज और जो है ये काफी डिग्रेडेड और वो थर्ड कैटेगरी फॉर्म ऑफ मैरिज जो है कंसिडर किया जाता है हमें इनकी डिटेल्स में नहीं जाना है मैरिज टैबूज डिफरेंट मैरिज टैबूज दे टैबूजो गवर्न जिस मैरिज विद क्लोज रिलेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है नॉर्थ इंडिया में ठीक है लेकिन ऐसे जो है वो अलाउड है मुस्लिम्स मैन साउथ में इन लेकिन साउथ में भी कोई एक टाइप के कजन से कर सकते हो एक टाइप के कजन से नहीं कर सकते हो तो इसमें भी थोड़े जो रूल्स वो उनके अलग अलग हैं एज डिफरेंसर टैबू लड़की हाई एज की होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए लड़का अगर हाई एज का होगा तो ये चलेगा तो ये कुछ अनस्पोकन रूल्स अनसेट रूल्स रूल जो इंडियन सोसाइटी में चलते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ मैरेजेस कुछ और भी हैं लेस कॉमन मैरिजेस फॉर्म इंक्लूड वॉकिंग मैरजेस टेम्प्रोरी मैरिजेस फोर्स्ड मैरिजेस सो ऑन वॉकिंग मैरेजेस एक ट्राइब है चाइना में मोसवा समथिंग मुझे नाम नहीं याद आ रहा बेसिकली वो ये उससे एसोसिएट है वॉकिंग मैरिजेस इसमें क्या होता है लड़का और लड़की के बीच में रिलेशन बनता है ठीक है लेकिन अब अगर उनका आगे कोई चाइल्ड हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के पे नहीं होगी उसकी जो गर्ल की एक्सटेंडेड फैमिली है वो टेक केयर करती है एक्सटेंडेड फैमिली तो बेसिकली रिलेशन बनाने के लिए ये लोग साथ में आ जाते हैं और इससे किसी, किसी भी ना लड़की को कोई प्रॉब्लम है ना लड़के को, कोई प्रॉब्लम है ना लड़की के घर वालों को प्रॉब्लम है टेम्प्ररी मैरिजेस देखा गया है जो किसी एक रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज कुछ टाइम के लिए होती है ये मुस्लिम्स में शिया कम्युनिटी में भी होती है इसको वहां पे मुट्ठा मैरिज कहा जाता है फोर्स मैरिजेस यू नो जबरदस्ती वाली ठीक है ड uh, which which के लिए सिटीजनशिप के लिए शादी कर लेते हैं लेकिन चेंज इन फॉर्म ऑफ मैरेज इज ऑल्सो अकरिंग विध चेंजिंग टाइम्स फॉर एक्जाम्पल जैसे इवन मुस्लिम कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान हो गया या दूसरी मुस्लिम कंट्रीज होगी वहां पर ऐसा रूल बनाया कि काजी के लिए वो निकाह सेरेमनी परफॉर्म करने से पहले जरूरी है अगर वो कोई प्लूरल मैरिज कर रहा करेटमिन किसी की सेकंड शादी करवा रहा है तो जरूरी है कि पहली वाइफ का कंजेंट जो है उसके पास हो तो एक चेंजिंग फॉर्म इसीलिए इंक्लूड होता है क्योंकि रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड वाइफ को परमिशन देनी होती है हस्बैंड को फर्स्ट वाइफ को परमिशन देनी होती है हस्बैंड को सेकेंड मैरिज के लिए ये रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है वो शादी कर सकता है सेकेंड लेकिन ऐसा रूल बनाया गया है कि काजी अगर कर रहा है सोलमनाइज दैट मीज निकाह सेरेमनी परफॉर्म कर रहा है सेकेंड मैरिज में किसी की तो उसके पास तो रिलेशन तो मैरिज आ रहे हैं ऑल दो अभी भी ज्यादा लड़की को ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज काम वगैरह अगर जॉब करे फिर भी हाउस होल्ड उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन बहुत लेवल तक सिमेट्री एक आ गई है इन रिलेशन में ठीक है जेम्स नील ने कहा था सच हैव एग्जिस्टेड हिस्टोरिकली जो सेम सेक्स होती हैं लेकिन इन मोर सटल फॉर्म्स इतनी ज्यादा वो एविडेंट uh, नहीं थी ठीक है इतनी ज्यादा मैनिफेस्टेड नहीं थी चोरी छुपे पहले भी ऐसी चीजें होती थी अब इनको लीगल रिकोग्निशन मिलना एक रिसेंट फिन बन गया है कुछ नेगेटिव चीजें भी नोटिस की गई हैं कारवे डॉक्टर इरावती कारवे इंडियन थिंकर अपनी स्टडी में उन्होंने कहा था डावरी इज बिकमिंग मोर इंटरेस्ट एंड द प्राइसेस ऑफ ग्रूम्स आर इंक्रीजिंग विद एजुकेशन ऐसा होता है ना कि जितना एजुकेटेड लड़का हो उतनी ज्यादा वो डाउरी डिमांड करते हैं और चाइल्ड मैरिज भी कहीं कहीं प्रैक्टिस होती है अभी भी और चाइल्ड मैरिज का इंस्टेंस जो है कम हो गया है डिक्लाइन कैसे हो गया है विद इंसिडेंसेज ऑफ लव मैरेजेस क्योंकि बच्चे से किसी को प्यार थोड़ी हो जाएगा तो जितनी लव मैरिजेस बढ़ेंगी चाइल्ड मैरेजेज जो है उतनी ही डिक्लाइन पे हैं लेकिन अभी भी कहीं प्रेजेंट है राजस्थान वगैरह में राजपूत ऑफ राजस्थान एंड स्टेट्स लाइक like बिहार इसीलिए इसको क्रिटिसिजम में हम सब ये करेंगे कंसिडर पॉलीग्रामी अभी भी है प्रेविलेंट मुस्लिम्स में और मनी ट्राइब्स ऑफ इंडिया डिस्पाइट इट बींग आउट लॉड फॉर ऑल अदर कम्युनिटीज हाइपरगैमी जो है पर्पोचुएट करती है इन नोशन ऑफ इंफीरियोरिटी ठीक है ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ इंडिविजुअलाइजेशन और लीगल रिफॉर्म्स के साथ इंस्टेंस ऑफ डिवोर्स एंड मैरिटल डाउन भी इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरेज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज क्रिटिक्स एज वेल फेमिनिस्ट व्यू मैरेज एज एन इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग पेट्रीआर की और उन्होंने क्या कहा था फैमिली मैरिज वगैरह को लेकर ये पर्पोचुएट करता है अनपेड लेबर ठीक है अकॉर्डिंग टू आर एज प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड ठीक है इसमें अलग अलग थिंकर्स ने कुछ अलग अलग बोला है कुछ डिसफंक्शनल सोशोलॉजिशन मैरिज लाइक मैरिटल रेप्स वॉयेंस डाउरी ये सारी चीजें किसके साथ आती हैं आपकी मैरिटल मैरिज इंस्टीट्यूशन के साथ सोन ऑल्सो एस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ठीक है तो ये हो गया आपका मैरिज एंड इट्स टाइप्स आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया हो अब हम आगे चलते हैं एंड एंड डिसेंट डिसेंट ठीक है है तो जो हमने पहले मैंने आपको हमने कुल एंड गोत्र पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट बेसिकली है लीनेज मीन जब आप ट्रेस करते हो एनसेस्टर को वो नोन होता है वो डिसेंट मीन जब आप आगे आगे जाते इतना चले जाते हो कि आप अनोन मिथिकल इनसेस्टर से अपने फैमिली को जो है वो ट्रेस करना शुरू कर देते हो लीनेज को आप दो टर्म्स में अंडरस्टैंड कर सकते हो एज अ प्रिंसिपल लीनेज हम क्यों यूज करते हैं कि आप किस लाइन से अपनी जो इनहेरिटेंस है वो चूज करते हो आप जो प्रॉपर्टी आप इनहेरिट करोगे वो मादर साइड से होगी या फादर साइड से होगी अकॉर्डिंगली मेट्रेलिनेज और पेट्रेलीज या दूसरे टाइप पे आप उसको किन ग्रुप भी समझ सकते हो जिसको हम कुल्ला बोलते हैं ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम में कुल्ला और गोत्र में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ठीक है लीनेज द कॉमन एनसेस्टर ऑफ मेंबर्स इज यूजुअली एन एक्चुअल मेंबर्ड पर्सन अनलाइक इन केस ऑफ क्लान वेर इट इज मोर लाइकली टू बी अ मैथोलॉजिकल फिगर जैसे कि आपके डिसेंट में क्लैन गोत्र सेम ही चीजें हैं सारी ये आपका जो होता है वो अननोन इन्सेस्टर होता है अमंग नॉर्थ इंडियन हिंदूज दे इर्ज अ यूनिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड डेटिंग बैक टू एज फार एस ट्वेल्थ सेंचुरी बाई द ब्राह्मण पंडित जिनको पांडाज बोलते हैं एट वेरियस प्लेस लाइक हरिद्वार है घर घर का यहाँ पे इसकी डिफरेंस लिखी हुई है in case of lineage one can trace one's ancestors whereas in case of descent one feels to trace one's ancestor and jo ancestor hai usko substitute karte hain by a metrical one symbolizing the origin of each one's descent descent and village, uh, lineage jo hai oftenly hum isko interchangeably use karte hain lekin sociology mein ab thoda sa hum isko explain karte hain kya kaise hota hai descent jaise aap bolte ho vansh hai hamara vansh hai theek hai that means aap kahan se trace kare principle hai whereby a person is socially affiliated with the group by his or her parents grandparents and so on to isme kafi group होते हैं आपके जो पेरेंट्स हैं, उनका डिसेंट ग्रैंड पेरेंट्स है ग्रेटर ग्रैंड पेरेंट्स है तो ये काफी डिसेंट ग्रुप्स जो हैं, आपस में साथ में मिल जाते हैं द इंडिविजुअल बिलोंग सामिलटेनियसली टू ग्रुप्स, अपने पेरेंट्स का ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का एंड सो ऑन अगर चेन को लिमिट नहीं किया जाएगा जो एंटायर जो डिसेंट प्रिंसिपल है वर्चुअली कनेक्ट करेगा इंटायर वर्ल्ड को इंटू ए सिंगल डिसेंट ग्रुप ठीक है तो काफी ज्यादा लंबा इसका चेन है रियालिटी में फिर इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई जहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आ गया लीनेज का कि इसको लिमिट किया गया एक साइज को जहाँ पे आप ट्रेस करोगे अपनी फैमिलीज को किसी एक नोन एनसिस्टर से Descent can also be traced to some mythological figures Brahmansekate Vashish Vashishta. Hence the take method of limiting the recognition of kin group on the basis of some common identity in different societies.

के कुछ लोग फादर से करेंगे कंप्लीटली कुछ लोग मदर से कंप्लीटली अब इनके बीच का डिफरेंस आप देख लो इसमें एक ही ग्रुप जो है कुछ चीजें फादर के साइड से कर रहा है कुछ चीजें मदर के साइड से कर रहा है इसमें एक सोसाइटी में जो एक कुछ ग्रुप्स हैं वो फादर के साइड से कर रहे हैं कंप्लीटली फादर के साइड से और कंप्लीटली मदर के साइड से ऐसा नहीं है कि कुछ एट्रीब्यूट करेंगे फादर के साइड की कुछ एट्रीब्यूट मदर के साइड की इसमें कंप्लीटली फादर साइड कंप्लीटली मदर साइड लेकिन कुछ लोग ये करेंगे कुछ लोग ये करेंगे पैरेलल हो गया जहाँ पे जो डिसेंट है वो सेक्स स्पेसिफिक है दैट मींस फादर करेगा ट्रांसमिट सन को एंड वुमेन करेगी मदर uh, करेगी अपनी डॉटर को क्रॉस हो गया जहाँ पे उल्टा हो जाएगा ठीक है फादर करेंगे डॉटर्स को एंड मदर्स करेंगी सन्स को तो ये कुछ है कैसे आप करके ट्रेस कर सकते हो अपना डिसेंट बहुत टाइप के हो सकते हैं मोस्ट कॉमन इज फैमिली जिसको हम ग्रुप डिसडर करते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज लिंक्ड बाय कॉमन एनसिस्टर जिनकी आइडेंटिटी हमें पता होती है वो क्या बनती है लीनेज नंबर ऑफ लीनेज लिंक टुगेदर विद अ कॉमन एनसिस्टर हुज आइडेंटिटी इज नॉट नोन उसको हम क्लैन बोलते हैं और रफली ट्रांसलेटर गोत्र इन केस ऑफ इंडिया और ये एग्जोग होता है ठीक है क्लैन गोत्र एग्जोगी जो मैंने आपको अभी बताई क्लैन और गोत्र आप इसको

और नंबर ऑफ लीनेजेस अब जो खुद को ट्रेस करती है एक अननोन एंसेस्टर से वो क्या आप बोलेंगे खुद को क्लान या गोत्र और नंबर ऑफ क्लान जिनका एक मिथिकल एंसेस्टर होगा वो बना दी है फ्रेटरी यहाँ पे अननोन नहीं है कॉमन एंसेस्टर है ठीक है Lineages, से जो कनेक्टेड होंगे वो क्लैन बनाती है, जो clans, clans, एक से है वो फ्रैक्ट्री बनाती हैं इसको इंडिया में आप कास्ट भी बोलते हो ये हो गया आपका थोड़ा बहुत डिसेंट का तो इनके कुछ फंक्शन होते हैं जैसे रिचुअल्स के टाइम पे बर्थ मैरिजेस के टाइम पे ये इंस्ट्रूमेंटल डिफाइनिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन उसको एक अपनी आइडेंटिटी देते हैं ठीक है अकॉर्ड टू इवेंट्स प्रचार्ड जो किन ग्रुप कन्वर्ट इन उस टाइम पे वॉर ग्रुप भी बन सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो किन ग्रुप ऐसा होता था ना जैसे लड़ाइया पांडव कोरवाउस के बीच में लड़ाई तो वैसी सारी चीजें द डिस बिल्ट इन अथॉरिटी स्ट्रक्चर विच नॉर्मली एक्सरसाइज बाई सी मेल्स एक अथॉर्टी स्ट्रक्चर होता है सीनियर मेल्स एक्सरसाइज करते हैं तो पेट्री आर्कल होती है मोस्टली रूल्स ऑफ इन्हेरिटेंस टेन टू बन लाइन विदनिंग ऑफेंट इन मोस्ट सोसाइटीज़ कहाँ से आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो वो इन लाइन होता है विद डिसीमेल साइड एंड इंडिविजुअल इकोमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल भी डिफाइन बाई हिज हर पोजिशन द डिसट ग्रुप ठीक है मनी सोसाइटीज में यूनिलियल डिसेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो जूरल यूनिट्स भी होते हैं क्योंकि आपके लिए अगर कोई लड़ाई वगैरह हो गई है किन्नी ग्रुप्स के बीच में विद इन अ डिसेंट ग्रुप अलग अलग फैमिलीज के बीच में तो उनका जो वो uh, आपस में ही वो डिसाइड कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती वो आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं तो एज अ जूरी भी वो एक्ट करता है तो ये हो गया आपका लीनेज एंड डिसेंट नेक्स्ट विल मूव ऑन टू पेट्री एंड सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर पेट्री आपको पता है क्या होता है जब जो एलडेस्ट मेल मेंबर होता है आपकी फैमिली का उनके हाथ में सारा कंट्रोल है उसको पेट्री बोलते हैं अथॉरिटी मेल्स के पास है मेल के पास है खासकर आपके एल्डेस्ट मेल के पास जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में करता ऑफ अ फैमिली बोला जाता है ठीक है और अगर ये मदर के पास हो फीमेल के पास हो तो मेट्री की हो गया सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर होता है लेबर बेसिस ऑफ लेबर ऑन द बेस ऑफ जेंडर दैट मीन्स मेल के कुछ रोल्स हैं फीमेल के कुछ रोल्स हैं ठीक है जेंडर एंड सेक्स आर टू सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंगस है अगर आप पुराने लेक्चर्स याद करो तो एन ओकले ने क्या कहा था कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट ठीक है आपकी सोसाइटी ने बनाया है जेंडर वो तो आपका जो मेल फीमेल डिफरेंस है वो नेचुरल डिफरेंस है जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है लेकिन एज अ जेंडर वो अलग होना सोसाइटी का वो आपके कल्चर से आता है ठीक है पेट्रियार्की सिल्विया बेलबाई ने कहा था सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस है जिसमें मेन डोमिनेट करते हैं ऑपरेस वुमन को डोमिनेट एंड ऑपरेस करते हैं वुमेन को अकॉर्डिंग टू हर द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियर्की रिमेन्न सेंट्रल टू द फेमिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी इसकी इन्होंने कुछ चीजें भी बोली थी सिक्स पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स जो अंडरमाइन करते हैं वुमेन की पोजिशन को सोसाइटी में दैट इज योर पेड वर्क पेट्री आर की विद इन हाउस होल्ड कल्चर सेक्शुअल्टीलेंस इन स्टेट इंस्टीट्यूशन पेड वर्क कैसे हो गए हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड इन पेड जॉब्स क्योंकि ये अभी भी चलता है हाई प्रोफाइल जॉब्स में भी चलता है बॉलीवुड में ही देख लो कितना पे गैप का जो डिबेट है वो कितनी बार आया है की फीमेल एक्ट्रेस को और मेल एक्टर्स को कितना ज्यादा उनके बीच में जो है वो डिस्पैरिटी है उनकी पे में पेट्रीआर विद इन द हाउस होल्ड हाउस होल्ड में भी पेट्री आर की है ठीक है क्योंकि एक तो उनको रिवॉर्ड नहीं किया जाता उनके काम के लिए सेकेंडली उनके डिसीजन जो उनका आइडियाज uh, है उनको एक्नोलेज नहीं किया जाता है डिसीजन मेकिंग में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है कल्चर जो है प्रमोट सेक्स स्पेसिफिक रोल्स कल्चर बोलते ना मेरा राजा बेटा बर्तन नहीं धोएगा ये यहीं पर एग्जाम्पल आ जाती है सेक्शुअलिटी है वुमेन की सेक्शुअल फ्रीडम पे लिमिटेशन होती है एज कम्पेयर टू मैन वॉयलेंस जो इट्स अम फॉर्म ऑफ ओवर पावरिंग ऑफ वुमेन बाई मैन स्टेट इंस्टीट्यूशन दो नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन पास लेकिन जो स्टेट है हैस्टोरिकली टेकन अ पेट्रियॉरिकल व्यू ऐसा होता है ना ऐसा कई बार ही हुआ है कभी आई गेस कुछ टाइम पहले आ, कुछ रेप के केस सामने आए थे और किसी एक लीडर ने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कहा था कि हाँ ऐसे कपड़े क्यों पहन के निकलते हैं तो, तो ऐसा ही होगा तो ऐसी बातें होती है स्टेट इंस्टीट्यूशन थ्रू दे लीडर्स या कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह भी ऐसी कोई स्टेटमेंट पास कर देते हैं दैट डजेंट गो डाउन वेल विथ पीपल आज की डे एंड एज में पेटीआर के जो है ऑपरेट करती है थ्रू मल्टीपल स्ट्रक्चर जैसे प्रोडक्शन रिलेशन हाउस होल्ड में जहाँ वुमेन आर इज सब्जेक्टेड टू अनपेड लेबर किया मतलब करते हैं वो अनपेड लेबर ये हमने कल भी डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेटरी एलोकेशन ऑफ दक्यूपेशन इन लेबर मार्केट वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है कि जेंट्स कौन काम करेंगे लेडीज कौन सा काम करेंगे कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय द पेट्री पेट्रिया के पास ही है पॉलिटिकल पावर मोस्टली मेल वॉयलेंस विच इज ऑफन पैटर्न एंड सिस्टमैटिक पैटर्न एंड सिस्टमैटिक है क्योंकि इसको नॉर्मलाइज किया गया है सोसाइटी में कि हाँ ठीक है एक थप्पड़ तो मारा ही एक थप्पड़ से क्या होगा पेट्री रिलेशन एंड सेक्शुअलिटी विच आर मैनिफेस्टेड इन सेक्शुअल डबल स्टैंडर्ड्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स पेट्रिया कल्चरल इंस्टीट्यूशन लाइक एजुकेशन मीडिया एंड सो ऑन ये भी प्रमोट करते हैं पेट्रिया की सेटअप को ही तो वॉलबॉय ने कहा था एक प्राइवेट पेट्रीआर चल रही है जो आपके घरों में प्रैक्टिस हो रही है उसके साथ साथ पब्लिक चल रही है जो कलेक्टिव रिस्पोंसिव पैट्रियर्कल सोसाइटी का इन वुमेन तो दो इनो टाइप दी थी पैट्रियर्की की पब्लिक एंड प्राइवेट पैट्रियर्की इज रिफ्लेक्टेड विद इन फैमिली एज वेल एज एन वाइडर सोसाइटी और ये मैनिफेस्ट भी हो फॉर्म में भी आती है लैटेंट फॉर्म में भी आती है ठीक है यहां पे कुछ एग्जांपल वगैरह सिंपल सी है तो ये आप देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ठीक है पेट्रीआर की क्लियर हो गया अब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के हमारे पास दो अप्रोचेस हैं एक बायोलॉजिकल अप्रोच है जिसने सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इट्स क्लियर नो फीमेल के अलग रोल्स हैं मेल के अलग रोल्स हैं तो इसमें इन्होंने क्या कहा था टाइगर एंड फॉक्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट नाम है उन्होंने लिखा था द इंपीरियल एनिमल उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन बायोग्रामर का उन्होंने कहा था कि आ, उस ह्यूमन बायोग्रामर से उन्होंने कोशिश की थी एक्सप्लेन करने के लिए एक बायोलॉजिकल बेस ऑफ द सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर उन्होंने कहा था बायोग्रामर है क्या बेसिकली ये एक जेनेटिक प्रोग्राम है जो डेवलप हुआ है इस वजह से क्योंकि नाइनटी नाइन परसेंट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द टाइम जो मेल्स uh, थे वो किसमें इन्वॉल्व होते थे हंटिंग एंड गैदरिंग में ठीक है एंड एज ए रिजल्ट वो क्या बन गए एग्रेसिव एंड डोमिनेंट क्योंकि उनका काम ही वैसा था तो उनकी जो बायो प्रोग्रामिंग हुई थी जेनेटिक प्रोग्राम था वो उसी तरीके का डेवलप हुआ कि उनको हंटिंग एंड गैदरिंग करनी थी तो वो उसी तरीके का डेवलप हुआ जैसे वो एग्रेसिव डोमिनट बनते गए ठीक है अगर आपको हंटिंग एंड किसी को हंट कर रहे हो उसके लिए आपको वो अग्रेशन एंड डोमिन दिखानी है उस चीज पर तो इस वजह से वो अकॉर्डिंगली प्रोग्राम होते गए और वुमेन का बायोग्रामर इस तरीके का था कि उनकी प्रोग्रामिंग किस चीज़ से रिलेट हो गई रिप्रोडक्शन से और बच्चे का ध्यान रखने से एक नेचुरल चीज़ भी थी, क्योंकि बच्चा एक फीमेल जो है वही पैदा कर सकती है तो उस बच्चे का फिर ध्यान डिलीवरी के बाद आ जाता है। तो था कि उनकी बायो प्रोग्रामिंग इस, इस, इस वजह से लेबर जो था, में चल रहा था एंड इट वॉज तो जस्टिफाइड ऑल्सो ये बायोलॉजिकल अप्रोच थी पार्सन ने इन डिफरेंट रोल्स को क्या बोला था इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सप्रेसिव इंस्ट्रूमेंटल मेल से रिलेटेड एंड एक्सप्रेसिव रोल फीमेल से रिलेटेड जीपी हिज बुक आगे उसकी जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं लाइक द ग्रेटर फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ मेन एंड द फैक्ट दैट वुमेन बी आर चिल्ड्रेन इट लेड टू जेंडर रूल्स शेयर आउट ऑफ प्रैक्टिकलिटी ठीक है अब सोशो कल्चर अप्रोच जो था उसने इस चीज़ को नहीं माना फिर मैंने सोशोलॉजिस्ट लाइक एन ओकले इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा था कि सेक्स जो है नेचुरल और बायोलॉजिकल है लेकिन जेंडर जो है कल्चरल कंस्ट्रक्ट है क्योंकि असाइन करता है डिफरेंट सोशल रोल्स फॉर बोथ जेंडर्स इस चीज को इन्होंने इस तरीके से बोला कहा कि जो आ, पुराने स्टीरोटिपिकल रोल जो थे जो सिर्फ मेल्स के लिए पहले उन्होंने रखे हुए थे कि सिर्फ मेल्स ये परफॉर्म कर सकते हैं अब उन रोल्स में फीमेल्स को भी देखा जाता है तो जो बायोलॉजिकल बेसर डिविजन ऑफ लेबर का वो कहीं पे वैलिड नहीं है फॉर एग्जाम्पल हम लैटिन अमेरिका में देखते हैं कि माइंड में फीमेल्स भी काम करती हैं वही काम है जो पहले स्टीरोटिपिकली सिर्फ मेल्स के लिए रखा गया था वही चीज उन्होंने यही यहां कही है शी नाइट साइट न्यूमरस एग्जाम्पल्स इन विच वुमेन टेक स्टीरोटिपिकल रोल

तो यहाँ पे ने आगे एग्जाम्पल्स भी दी थी जिसे वेमेन इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वर्क इन माइंड जो पहले किसके लिए बोलते थे सिर्फ मेल्स के लिए बोलते थे ठीक है शी साइट्स एग्जाम्पल्स इन इच वेमन आर ऑल्सो परफॉर्मिंग टास्क विच आर लेबल्ड एज टास्क ऑफ़ मैन ठीक है उन्हें कब्यूट्स की भी एग्जाम्पल दी किब्यूट्स में जो रोल ऑफ मदर्स था वो अब वैसा नहीं ये है जैसा रोल ऑफ मदर माना जाता है किब्यूट्स हमें बहुत बार डिस्कस कर लिया है इजराइल में है एक कम्युनिटी जो फॉलो करती है प्रोस ऑफ कब्यूटरिज्म सोशल लाइन्स पे डिवलप हुए कि यू विल गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड बट यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी और इसमें आप डोमेट्रीज में रहते हैं लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं और जो डोमेट्रीज में लोग काम करते हैं वही उनका ध्यान रखते हैं पेरेंट्स उनको ओकेजनली मिलने आते होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स नहीं है तो यहाँ पे जो रोल ऑफ मदर्स है वो भी उसके भी ऑल्टरनेटिव आपके पास हैं तो ऐसा नहीं है कि वुमेन जो है एक स्पेसिफिक काम ही सिर्फ कर सकती है हाउसवाइफ रोल जो है ओक्लेनिक हाउसवाइफ का कॉन्सेप्ट कहां से आया ओक्ले कहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से आया उससे पहले इक्वल स्पेस था काम के लिए फॉर बोथ मैन एंड वुमेन ये चीज भी याद रख लेना और हाउस वाइफ रोल के उन्हें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कहे थे इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन एंड डिपेंडेंट ऑन मैन इट है स्टेटस ऑफ नॉन वर्क तो तो टिव है लेकिन वो जो कमाके लेके आएगा वो सारा फिर घर में सेट करना वो तो एक लेडी का काम ही है तो उसको नॉन वर्क से एसोसिएट किया गया हाउस वर्क जो है अनपेड है प्राइवेटाइज एंड आइसोलेटेड है ठीक है तो रोल ऑफ वेमेन इन मैरिज एंड फैमिली ऑल्सो फॉलो ब्रॉडर डिविजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू जेसी बर्नाड बेनिफिट्स दैट हस्बैंड एंड वाइफ ड्रॉ फ्रॉम मैरिज आर रेडिकली डिफरेंट और अनईक्वल कंपेयर टू सिंगल मैन जो मैरिड मैन हैं दे आर मोर लाइकली टू हैव सक्सेसफुल करियर्स मैरिड मैन ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं लेकिन इसके कंपेरिटिवली अगर आप देखोगे सिंगल वुमेन के कंपेरिजन में जो मैरिड वुमेन है वो ज्यादा दे आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन तो मैरिड वुमेन के लिए क्या जा रहा है नेगेटिव ग्राफ जा रहा है और मैरिड मैन के लिए क्या जा रहा है ग्राफ जो है अपवर्ड्स है तो ये थोड़ी सी चीजें डिविजन ऑफ लेबर के लिए टुडे इट इज ब्रॉडली ब्रॉडली एक्नोलेज दट सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है कल्चरल इन नेचर है एंड बायोलॉजिकल नहीं है हिस्टोरिकली मेन जो है हैव बीन कंसिड एज ब्रेड विनर्स एंड वुमेन जो थी एज हाउस कीपर्स एंड रेस चिल्ड्रन इस अरेंजमेंट को नेचुरल बोला जाता था और नॉर्मलाइज हो गया था सोसाइटी में द आइडियोलॉजी ऑफ नेचुरलनेस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इसको चैलेंज किया क्योंकि वुमेन भी एंटर कर रही हैं लेबर फोर्स में इन लार्ज नंबर्स और ये सारी चीजें किसे पर्पेचुएट हुई जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट आई वेस्ट में नाइनटीन सेवेंटीज में वुमेन लिबरेशन मूवमेंट आ गई ठीक है इन्हें रेस किया क्वेश्चन अगेन सेक्शुअल डिवीजन लेबर को एंड यूनिवर्सल डिविजन ऑफ लेबर उन्होंने प्रूव किया है कि जो मेन एंड आर इक्वली केपेबल ऑफ डूइंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ वर्क तो जो बायोलॉजिकल थियरीज दे रहे फॉर सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर वो स्टैंड नहीं करती है कहीं पे भी क्योंकि रिसर्चर्स ने उनको डिसअप्रूव किया है जो कॉडिलिय फाइन है इन हर डिलीजन ऑफ जेंडर उन्होंने आर्ग्यू किया मैन एंड वुमेन आर नॉट हार्ड वायर्ड नेचुरली विद डिट इंटरेस्ट एंड केपेबिलिटीज एंड इनस्ट कल्चर एंड सोसाइटल बिलीफ जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द सेक्स डिफरेंसेज उनमें ऐसा कुछ नहीं है वो सेक्स डिफरेंसेस कहाँ से आती हैं उनके कल्चर से आती हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज कही जेंडर जो है इसको रिसाइकिल किया जाता है हाईली जेंडर सोसाइटी में इन विच चिल्ड्रन डेवलप अब देखो इसका क्या मतलब है जेंडर को आप रिसाइकिल कर रहे हो उस सोसाइटी में जहाँ पे चिल्ड्रन बड़े होते हैं तो चिल्ड्रन डेवलप हाईली जेंडर सोसाइटी है तो बच्चे क्या बचपन से देख रहे हैं यही देख रहे हैं ना कि डिफरेंट जेंडर्स है और डिफरेंट रोल्स असाइन हुए हैं लेडीज थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं है शायद हाँ तो इन्होंने क्या कहा बच्चे कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं एक हाईली जेंडर सोसाइटी में हाईली जेंडर सोसाइटी में जहां पे बचपन से क्या देख रहे हैं कि रोल्स अलग हैं जेंडर रोल्स अलग हैं फीमेल्स को स्पेसिफिक काम नहीं कर सकती है मेल्स स्पेसिफिक काम नहीं कर सकते हैं तो वो उसी माहौल में डेवलप होते हैं और फिर जो जेंडर सारा ये जो चीज़ है वो रिपीट हो जा होती जाती है ठीक है वो भी ये जेंडर रोल्स अपने टाइम पे क्या करते हैं इनकी अडहर करते हैं टू दिस जेंडर रोल्स दैट मीनस ये जो जेंडर है इसका रिसाइकिल हो रहा है सोसाइटी में ये किसने कहा था ये कहा था कॉर्डेलिया फाइन ने ठीक है तो ये बात याद रख लेना ऐसे छोटी छोटी स्टेटमेंट जो हम स्किप कर जाते हैं बट दे डू मेक सेंस इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एग्जाम में ये पॉइंट्स काफी हेल्प करती हैं फर्दर अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे क्या बोला गया फेमिनिस्ट बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस को ऐसे मैरिटल और फैमिली वगैरह कोर्कल इंस्टीट्यूशन द कास्ट रोल ऑफ वुमन इज ऑफ ए डोमेस्टिक वर्कर टुगेदर विद रिलीजन डिफाइन करते हैं रोल ऑफ वुमेन को इन इंडियन सोसाइटी उमा चक्रवर्ती ने कहा था ब्रह्म कर, जो ट्रेडिशन वो है वो ग्लोरीफाई करते हैं ओपीडियंट वुमन को एज पत्नी व्रता पति व्रता पत्नी यही बोलते हैं ना पतिव्रता कि पतिव्रता है लॉयल टू तो हस्बैंड है अगर आप मतलब लो, किसको पतिव्रता पतिव्रता बोला जाता है जो पति की बात माने पति की डांट भी खाए वक्त पति की मार भी खाए एक आइडियल बीवी है ये एक आइडियल बीवी है कभी सामने से जवाब नहीं देती चाहे वो सही भी हो चाहे उसका वो लॉजिकल रैशनल बात कर रही हो लेकिन वो क्योंकि वो आइडियल बीवी है वो सामने से जवाब नहीं देगी तो ये जो उनने ओनर्स रखा है वुमेन पे वो आइडियल रहने का उससे क्या हो रहा है वुमेन पे काफी ज्यादा एक डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उसको ठीक है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रपेचुएट किया जाता है ऐसी आइडियोलॉजी से ये हो गया और इंडियन सोसाइटी में एक और चीज देखी गई है वाइल्ड हर स्टेटस ऑन वन हैंड इज ऑफ देवी और गॉडेस और दूसरे तरी, दूसरे तरफ से हमारे पास उनको ट्रीटमेंट दी जाती है द, दासी और स्लेव की वीना वीना दास ने इसको देवी कहा था तो देवी गॉडेस यू नोट की हमेन को पूजा भी जाता है इंडियन सोसाइटी में एंड दासी ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है देवदासीज का अगर आपने सुना होगा पढ़ा होगा कहीं तो देवदासीज बेसिकली वो फीमेल्स हैं जिनको रखा होता है फॉर द सर्विस ऑफ डाइटी और गॉड इन टेम्पल्स तो अटिल दे लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा है उनको सर्व करना है डाइटी या गॉड को टेम्पल में और उनको कुछ भी नहीं करना है ठीक है उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है ये देवदास अभी भी कहीं कहीं प्रैक्टिस होती है सटल फॉर्म में मोस्टली ये साउथ में आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तेलंगाना और कर्नाटका गुजरात ठीक है ये सारी स्टेट्स हैं जो देवदास के साथ अभी भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड या रिलेटेड हैं तो पेट्रीआर की लेजिटमाइज करते हैं मदरहुड को एज अ प्राइमरी रोल ऑफ द वुमेन जिसको बाद में किब्यूट्स के थ्रू इसका क्रिटिसिज्म भी दिया गया इंडियन सोसाइटी में पेट्रीआर की एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ये राइज देता है टू अदर सोशल वैल्यूज आल्सो सच एज मेल चाइल्ड प्रेफरेंस ये भी रिलेटेड है आपकी पेट्रीआर से सेक्सुअल प्योरिटी दैट मीनस अवॉइडेंस ऑफ प्री मैरिटल सेक्स और ज्यादा ये वुमेन पे ही इसका जो है वो उसी के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है मोनोगी या आपका पॉलीगैनी ठीक है पोली एंट्री नहीं पॉलीगाइनी फास्टिंग बाय स्पेशल पे ऑफ वेशलजन ऑफ ऑफेस फ्रॉम पब्लिक डिस्कोर्स दैट मीनस किसी भी डिसीजन में या डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है तो ये सारी वैल्यूज भी आपके किससे रिलेटेड है और कहाँ पर राइज करती है जहां पे आपका पेट्रियर्कल सेटअप है पेट्रीआरकल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्साम्पल इंडिया तो ये देवी डाइकोटोमी हो गया हावअ पेट्रियारल सिस्टम जो है विद इट्स अनिमिटेड रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम फॉर मेन ब्रेकिंग डाउन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू सिविलाइजेशन कल्चर क्योंकि अब की जो लेडीज हैं वो पढ़ी लिखी हैं जॉब करती हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो ये सारी चीजें नहीं मानती है और ट्रेडिशनल मैस्कुलिन जॉब जो थे दे आर नाउ ऑल्सो टेकन बाय वुमेन रिलीजन भी वीक हो रहा है एंड जिस स्त्री धर्म एंड पतिव्रा वगैरह ये सारा भी डिक्लाइन हो रहा है रोमांटिक लव लव मैरिज जो है आर ऑन राइज तो सिमिट्रिकल मैरेज वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता जाता है और थ्रू स्टेट ऑल्सो उनको काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश की जाती है लेडीज को तो इस वजह से भी वो पेट्रियल सेटअप में अब ज्यादा खुद को बाउंड नहीं रखती हैं फॉर एग्जाम्पल दो में प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो अनाउंस की वेमेन जो है उनको, उनको रिक्रूट किया जाएगा इन बैट रोल्स ऑल थ्री आर्म फोर्सेस में पहले ऐसा नहीं होता था जिसमें आपका आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी प्रोहिबिट करता है सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स पे और कुछ एक्ट हैं जैसे फैक्ट्रीज एक्ट जो कर, प्रोवाइड करता है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन एट वर्क प्लेस ठीक है या आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें भी ऐसे लॉज हैं आर्टिकल्स हैं स्केप्टिक्स ऑन द अदर आर्ग्यू दैट सच लॉज हैव बिन बॉट थियरिटिकली लेकिन उसने क्या किया है थियरटिकल लिबरेशन दी है लेकिन एक्चुअल इमानस्पेशन ऑफ वेमेन है अभी भी नहीं हुई है तो ये क्रिटिक्स का एक पॉइंट है लेकिन ये इसका पॉजिटिव कंक्लूजन है जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं तो लास्ट टॉपिक की तरफ चल बढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन किनशिप पैटर्न मैरेजेज एंड फैमिली तो अब क्या कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे देखते हैं कंटेप्ररी ट्रेंड्स हो गया जो आपके आगे करंट ट्रेंड्स हैं किनशिप मैरिज एंड फैमिली वगैरह में इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किनशिप ग्रुप्स एंड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप आप देख सकते हो मोस्टली इसमें वो सारी बातें होंगी जो हमने कही कहीं ना कहीं डिस्कस कर ली होंगी इस चैप्टर में मेनी ऑफ द चेंज ब्रॉट बाई न्यूली इमर्जिंग ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने आपको कहा अर्ली क्रेच वगैरह एंड स्कूल्स Laws. अब ये आपकी इन चीजों के लिए मिथ भी आहिस्ता आहिस्ता कहाँ खत्म हो रहा है इंडिविजुलाइजेशन माइग्रेशन एजुकेशन न्यूक्लियराइजेशन एक्टेट्रा ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं ऑलरेडी इनसे भी चेंजेस आ रही है वो क्या है अराइवल ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड क्योंकि फीमेल के पास एक Uh, उनको क्या मिल गया उनको एक टूल मिल गया कि वो अपनी चॉइस को सामने रख सके सा, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकेंगे और लिमिट भी कर सकेंगे साइज ऑफ फैमिली जिससे उनका कितना जो बर्डन है उन उनपे वो भी कम होने के चांसेस जो ज्यादा बढ़ गए बर्थ कंट्रोल गेम मोर फ्रीडम टू वेमन लिमिटेड द साइज ऑफ़ फैमिली एंड मेनी केसेज ऑल्सो रेड टू मेनी साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर इशूज अमंग द फैमिली मेम्बर्स एज इंडिविजुअलिज्म ग्रे विद द स्मॉल फैमिली साइज स्मॉल फैमिली साइज पे खुद पर ध्यान देने का उनका वो जो फैक्टर था वो भी इंक्रीज हो गया स्ट्रक्चरल टर्म्स में न्यूक्लियर फैमिली जो है डिक्लाइन ऑफ पेट्रीय रिलेशंस लेके है वीनिंग अथॉरिटी ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन चिल्ड्रन की जो पेरेंट्स की जो अथॉरिटी थी चिल्ड्रन पे वो भी आज तक कम हो रही है राइज ऑफ आल्टरनेटिव किनशिप इंस्टीट्यूशनस लाइक लिविंगस आर कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स ठीक है फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ किनशिप रिलेशन आर ऑल्सो चेंजिंग वेरियस फंक्शन ऑफ़ फैमिली इन अदर डिसेंट ग्रुप्स आर टेकन आल्टरनेटिव बाई ओवर बाई आल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनस जैसे मैंने कहा पहले सोशलाइजेशन वगैरह सिर्फ फैमिली करती थी अब उसके लिए अलग अलग ग्रुप्स आ गए हैं इंस्टीट्यूशन गए प्लेसमेंट फंक्शन जो इज नो लॉन्गर परफॉर्म फैमिली एंड इट इज डन बाई अदर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इतनी ज्यादा जो है स्पेसिफिक या uh, yeah, स्पेशलाइजेशन uh, डिफेंसिएशन हो गई है तो आपका डिविजन ऑफ लेबर बढ़ गया है एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गई है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है वो भी कम हो गई है जो जूरल राइट्स ऑफ किन ग्रुप्स है पहले क्या होता था वही जूरी बन के डिसाइड करते थे सब कुछ उसके लिए भी अब क्या आ गया है? हमारे पास फॉर्मल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है अब एजुकेशन फैमिली ही इम्पार्ट नहीं करती है उसके लिए स्कूल्स में जाना जरूरी पड़ता है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं ग्रुप्स में और फैमिलीज में केस ऑफ मेरिटल ब्रेकडाउन डिवोर्स सेपरेशन जो ये भी इंक्रीज पे है कम्युनिटी बॉन्ड्स बॉन्ड्स एंड एंड आर वीकनिंग लेसर एवेन्यूज टू टू वेंट वेंट अप अप आउट पेंट लीडिंग टू डिस्ट्रेस इन मैरिटल लाइफ क्योंकि अब उतने बॉन्ड्स कम्युनिटी बॉन्ड्स किनशिप बॉन्ड्स उतने ज्यादा नहीं है कि अगर आपको कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो या कोई हस्बैंड uh, वाइफ के बीच में कोई इशू चल रहा हो तो आप कहाँ वेंट आउट करोगे किससे सलाह लोगे अब उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही आपकी लाइफ में तो इसकी वजह से क्या होता है मैरिटल ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं मेरिटल ब्रेकडाउन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो आप डिवोर्स सेपरेशन एम्पिशियल मैरिज डिवोर्स इज सिंपली यू नो सेपरेशन इस शादी में होते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं लड़ाई हुई है कुछ रीजन्स की वजह से एम्टिशल मैरिज ऑल दो साथ में रह रहे हैं बट जैसा फॉर द सेक ऑफ इट की शादी है तो निभा रहे हैं पर आपस में कोई उनका रिलेशन नहीं है इमोशनल रिलेशन नहीं है फिजिकल अफेक्शन नहीं है एक दूसरे की तरफ तो उनको हम एम्टिशियल मैरिजेस कहते हैं और डिवोर्स uh, जो है वो आपको पता है लीगल टर्मिनेशन है एम्टिशियल मैरिज आर दोज एंड स्पाउस लिव टूगेदर बट ओनली फॉर द सेक ऑफ लिविंग टुगेदर मैरिज रिमेन्स अ नेम ओनली मेरिटल ब्रेकडाउंस क्यों है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आर ऑन राइज उसके कुछ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स देखते हैं क्योंकि लेजिस्लेश ऐसी बनी हुई है ईजी है डिवोर्स वगैरह ले लेना निकी हार्ट ने कहा था डिवोर्स एक सोशल स्टिग्मा नहीं रहा है तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है एस्केप करने के लिए मैरिज फ्लेचर ने कहा था ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है मैरिटल रिलेशंस uh, में दे आर लीडिंग टू इट्स ब्रेकडाउन विलियम गुड इन A sociological perspective on marital breakdown hata, nuclear families today carry heavier emotional burden and social units become relatively fragile. फाइन विलियम गुड ने आर्ग्यू किया था कि रिजल्ट ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम द वाइडर किनशिप नेटवर्क फैमिली जो है इसकी वजह से भी हैवियर इमोशनल बर्डन हो जाता है और फाइनली जो मैरिटल ब्रेकडाउन है वो सिंपल हो जाता है क्योंकि पहले क्या होता है आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाते हो सलाह के लिए तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या करते हैं कोशिश करते हैं सब कंसोल करने की और आपस में सब ठीक करने की लेकिन अब जब वो फैक्टर ही नहीं रहा आप एल्डर्स के पास जाओगे ही नहीं सलाह वगैरह लेने के लिए तो मैरिटल ब्रेकडाउन जो है वो राइस पे है Life is more and more अब इस नहीं करते आपको लगता है शादी की टूट भी सकती है से, अगर होंगे तो भी डिवोर्स रेट हाई होने के चांसेस ज्यादा है अब इंस्टेंसेज ऑफ मैरिटल मैरिटल ब्रेकडाउन आर कल्चर एंड कंटेक्सिफिक एज वेल यूएसए में एज पर टू थाउजेंड फोर्टीन डेटा कहा था मोर देन फोर्टी परसेंट मैरिजेस एंड अप इन डिवोर्स ठीक है इसमें निकी हार्ट ने कुछ कहा है निकी हार्ट ने कहा था एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड ब्रेक डाउंस अगर इनवर्स uh, रिलेशनशिप है दैट मीन्स इनकम अगर आपकी कम होगी तो ब्रेकडाउन मैरिटल ब्रेकडाउन चांस होने के चांसेस ज्यादा है सेट ऑफ पेरेंट्स स्टेटस ऑफ पेरेंट्स जो है ये भी इफेक्ट करते हैं मैरिड लाइफ अगर पेरेंट्स जो है वो डिवोर्स ही होंगे सेपरेटेड होंगे तो बच्चों को लगता है कि हाँ ये एक सोल्यूशन है उनके दिमाग में होता है कि हाँ ये uh, आप ये रास्ता चूज कर सकते हो आराम से ये चीजें जो है सोसाइटी में होती हैं इफ एनी वन ऑफ द स्पाउस हेट पेरेंट्स विच आर डिवोर्स इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ स्प्लिट निकी हार्ट ने कहा था एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग डिवोर्स पेरेंट्स रेड्यूस द एवर्जन टू डिवोर्स आप डिवोर्स को उतना गलत नहीं देखते हो

तो कुछ कुछ चीजें इसमें से उठा के मैं उसमें मैंशन करूंगी तो फिर फॉर द सेक ऑफ रिविजन आपके लिए होगा वो ये तो आपको वीडियोस देखने ही है इन डिटेल समझने के लिए सब कुछ बाद में रिविजन के लिए आपको वो दैट विल कम इन इन हैंडी ऑफ ऑफ मैरिटल आर मैनिफेस्टेड टर्म्स इम्पैक्ट ऑन फैमिली किन एंड सोसाइटी इन हिज बुक ऑफ सोशल ऑरिजिन ऑफ डिप्रेशन जॉर्ज बॉर्न ने कहा जॉर्ज ब्राउन ने कहा था दैट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल मोमेंट्स इन एन इंडिविजुअल लाइफ क्या होता है फैमिली का ब्रेकडाउन होना सिंगल पेरेंट हुड जो है इट इज ऑन राइज एंड फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन इज थ्रेट ब्रिटेन में देर वर सेवन परसेंट चिल्ड्रन हैड सिंगल पेरेंट्स इन नाइन सेवन एंड थ्री परसेंटी टेन इट मीनस की जो सोशल फंक्शन दे आर ऑल्सो थ्रेटेड मेरिटल ब्रेकडाउन जनरल फिलिंग दट द इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइट एज अ होल इज इफेक्टेड बट ए स्टेट ऑफ वेलफेर मेजर्स लाइक फैमिल अलावेंस ओल्ड एज पेंशन हेल्थ सिक्योरिटी इससे आप इन चीजों को कहीं ना कहीं रोक सकते हो ये स्टेट इसमें रोल प्ले कर सकती है पोज बाय द फोर्स ऑफ चेंज क्योंकि ऐसे जैसे निकी हार्ट ने कहा था इनवर्स रिलेशनशिप है तो अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल फाइनेंशियल ट्रबल क्राइसिस से फैमिली गुजरे अगर स्टेट की ऐसी पॉलिसीज बनी होंगी तो ईजी हो जाता है फैमिली के लिए वो बेयर करना और फैमिली आ, के ब्रेक डाउन होने के चांसेस कम होते हैं मेरिटल डाउन के चाहे रीजन कोई भी हो अच्छी चीज नहीं होती है अवॉइड करनी चाहिए अगर आप उसी कल्चर में हो जहाँ पे अभी भी मैरिज को एक ऊंचा लेवल दिया जाता है तो वो अच्छी बात है और तो जो इसमें गलत चीजें होती हैं बीच में वो कॉल आउट करना जरूरी है बट एज एन इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन इसको सर्वाइव करना इसके लिए काफी जरूरी है क्योंकि यूनिटी ऑफ सोसाइटी कहीं ना कहीं डिपेंड होती है आपकी फैमिली पे और मैरिज उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो कंग्रेचुलेशन गाइज 99.9 परसेंट सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है बस यूर लेफ्ट विद ओनली वन चैप्टर दैट इज योअर सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है we'll quickly, मतलब आज नहीं बस कुछ ही सब टॉपिक्स इसके हैं जो हमें डिस्कस करने हैं आई गेस एक याद सा दो वीडियो में कवर हो जाएगा मैं कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में कवर हो जाए तो जल्द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे और सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें कमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम हो या आप कोई भी आप चाहते हैं मैं वीडियो लेके आऊं किसी अलग टॉपिक पे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं कारण क्रांच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम बबाई टेक केयर हैव अ ग्रेट डे